अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन का दिल्ली स्टाइल कोरमा बनाने जा रहे हैं और उसके लिए हमने ये 1.5 किलो चिकन लिया है और 1/2 किलो प्याज लिए, स्लाइस में काट लिए, और 3 चम्मच भर के हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है पिसा हुआ, और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला लिया हमने, 4 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, और 1 पीपली का टुकड़ा लिया है, 4 से 5 लौंग है, 6 से 7 काली मिर्च है, और 1 दालचीनी का टुकड़ा है, क्योंकि ये हमने कम यूँ लिया है, पिसा हुआ भी डालेंगे इसीलिए। और ये हमने 2 चम्मच पीली मिर्चें ली हैं पिसी हुई, आप लाल भी ले सकते हैं, हमारे पास पीली थी हमने पीली ले ली है। दही लिए 300 ग्राम, ये हमने फेंट के रख लिए। 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, साबुत डालेंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ये जायफल पाउडर लिया हमने 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच हमने हल्दी ली है पीली, ये भी पीली है, मिर्चें भी पीली है, इसलिए हल्दी कम ली हमने। 1/4 चम्मच हमने जवतरी पाउडर लिया है, और घी हमने गरम करने के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है दोनों का, ये 3 चम्मच भर के, और घी हमने गरम होने के लिए डाल दिया। देखिए घी गरम हो गया, हमें 250 ग्राम के करीब घी डाला है हमने। इसे प्याज तलेंगे पहले, थोड़ी मीडियम आंच पे प्याज तले ताकि आराम से तल जाए और बर्तन भी खराब ना हो, ज्यादा तेज आंच पे जलने लगता है चारों तरफ से, इसीलिए हल्की आंच पे करें। थोड़े सिलो आंच पे ही पकाएं ताकि बर्तन भी खराब नहीं हो और आपका खाना भी अच्छा बने, तेज आंच पे मजा नहीं आता है। ये हमें गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को, और फिर दिखाते हैं आपको, बीच में हम ऐसे ही चेक कर खड़े होके ही इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए प्याज गुलाबी गुलाबी हो गई है, इसे 10 से 12 मिनट हो गए पकाते हुए, बस 5-7 मिनट और लगेंगे इसे गोल्डन होने में। ये गोल्डन होना स्टार्ट हो गया इसका, देख लिए थोड़ी गोल्डन गोल्डन सी हो रही है। देखिए गोल्डन गोल्डन होने लगी है, थोड़ी सी और होगी इसे, 5 से 6 मिनट और लगेंगे। अब ये इसे उस पर आके ये जल्दी से हो जाती है, ये देखिए प्याज हमारी बिल्कुल गोल्डन हो गई है। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और जो ये घी गरम है इसी में ही और हो जाएगी थोड़ी सी ये, और फिर निकालते हैं इसे प्लेट में। ज्यादा डार्क नहीं करें गोल्डन, गोल्डन रे ब्राउन ना करें, नहीं तो कोरमे का कलर अलग हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा और मजा भी अच्छा नहीं होगा, इसीलिए। देखिए हम अपने चूल्हा बंद कर दिया, ये घी गरम है इसी में ये और हो जाएगी थोड़ी सी फ्राई जैसी चाहिए हमें, फ्राई करने में ये इसमें 25 मिनट लग गए, 20 से 25 मिनट, इसी में ही ज्यादा टाइम लगता है, पकने में इतना टाइम नहीं लगता है, प्याज फ्राई करने में ही टाइम लगता है बस। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है, कोई कोई बीच में प्याज के मोटा दल होता है तो उसकी वजह से कोई कोई रह गया, तो वो कितना ही महीन काट लो फिर भी मोटा हिस्सा होता है बीच में। बिल्कुल तैयार हो गई है प्याज, आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन हो रही है, बिल्कुल देख वाले जैसे फ्राई करते हैं बिल्कुल ऐसी हो रही है। देखिए
हम इसे सबको घिनी छोड़ के और निकाल लेते हैं प्लेट में और फैला देते हैं जरा सीधे। ये सूख जाएगी तो हम हाथ से मलेंगे, इसे मिक्सी में नहीं पीसेंगे, नहीं तो दाना दाना नहीं पड़ेगा। सब निकाल लिए प्लेट में, इसे सबको ऐसे फैला देंगे थोड़ी देर, या खुशक हो जाएगी, थोड़ी करारी सी हो जाएगी, तो इसे हाथ से हम अच्छे से मसल के तोड़ लेंगे, जैसे चूरा बना लेंगे बिल्कुल महीन। इसमें घी गरम है हमारा, इसमें गोश्त डाल देते हैं, इसमें हम गोश्त डाल देते हैं, देखिए हमने गोश्त डाल दिया है सब इसमें हांडी में। उसे सबको मिक्स करेंगे ऐसे हल्के हल्के, इसी के साथ साथ हम नमक डाल देंगे इसमें ताकि गोटियों में सब नमक चला जाए, इसीलिए इसी के साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, अच्छे से भूनेंगे। आपकी मर्जी, आप अगर जो भूनना नहीं चाहते तो सारी चीजें डाल के आप पकने के लिए रख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा भून लेंगे इसमें ताकि इसका मजा सब अच्छे से चला जाए, इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। ये देखिए हमारे चिकन का सारा कलर बिल्कुल चेंज हो गया, आप देख सकते हैं, ये सब भुन गया, अदरक लहसुन भी भुन गया। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे और चूल्हा थोड़ा स्लो कर लेते हैं, मसाला डालेंगे फिर थोड़ा तेज कर देंगे। इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, इसमें साबुत गरम मसाला भी डाल देंगे ऐसे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, ये पीली मिर्च है, हमने लाल की जगह पीली ले ली है, पीली मिर्च भी डाल देंगे। डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करें ताकि ये फटे नहीं, अगर चाहे आपको फटने का डर हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, पानी मिला के डाल दें थोड़ा सा, ये देखिए डालने के बाद बराबर चलाते रहें। ये अच्छे से मिक्स कर दें सारा मसाला भी दही भी, देखिए हम कोरमे में तो कई डाल चुके हैं, वहां चैनल पे देख सकते हैं आप, कई तरह के डाल चुके हैं हम कोरमे में। लेकिन ये पीली मिर्चों का हमने पहली बार ही पकाया है, और चीजें पकाई हैं लेकिन ये कोरमा हमने पहली बार ही पकाया, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे वो बना के देखिए जरूर और खा के कमेंट जरूर बताइएगा। ये देखिए सब मिक्स कर दिया हमने, देखिए हमने सब मिक्स कर दिया, इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, दही का ही पानी होगा। इतने हम प्याज अपने चूरा कर लेते हैं प्याज का,
प्याज का चूरा कर लेते हैं, इसे ढक के पकाते हैं। इतना दिखाते हैं आपको, देखिए हमारे चिकन कोरमे को पकते हुए 10 मिनट हो गए। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये पकने में, भी अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें से। कितना पानी छोड़ दिया दही ने आप देख सकते हैं, हमने जरा सा भी एक बूंद भी पानी नहीं डाला था, ये दही का पानी है सारा। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, ये हमने ये मसाली है ये भी डाल देंगे इसी में। देखिए ये सब हमने प्याज डाल दिए, सर सबको मिक्स करते हैं। थोड़ी सी ये प्याज डाल के भी पकेगा, उसका भी मजा अपना अलग होगा। ये सारा बोटियों के अंदर सबके अंदर मसाला जाएगा, ये प्याज का मजा भी, इसीलिए प्याज इस स्टेज पे आके डाल दें। इसी के साथ साथ हम ये जायफल पाउडर भी डाल देंगे, जवित्री पाउडर भी डाल देंगे। गरम मसाला हम बिल्कुल तैयार हो जाएगा जब डालेंगे। देखिए प्याज डालते ही पानी खुशक होने लगा और भूनने लगा हमारा कोरमा, आप देख सकते हैं। इसे हल्की आंच पे हम पकने के लिए छोड़ेंगे। हरी मिर्चें भी डाल देंगे, अब इसे आंच स्लो करके बिल्कुल 5-7 मिनट और छोड़ेंगे पकने के लिए, ताकि जो हमने प्याज डाली है वो बिल्कुल ना घुल जाए इसमें और अच्छा मसाला बन जाए, इसीलिए हम ढक के इसे पकाएंगे 5-7 मिनट के लिए। देखिए कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है ये। आप देखिए कलर भी कितना अच्छा लग रहा है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें से। अब हम इसमें ये गरम मसाला जो हमने लिया था, ये गरम मसाला डाल देते हैं, आधा डाल देते हैं, आधा रोक लेते हैं, जरूरत होगी तो डाल देंगे। हमने आधा टीस्पून लिया था तो आधे में से हमने चौथाई हो गया, आधे में से आधा डाला, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए मसाला बिल्कुल भुन गया, गोश्त भी गल गया है सही से जैसे हमें चाहिए वैसी। देखिए बिल्कुल तैयार हो गया कोरमा, हम इसमें केवड़ा वाटर डाल देते हैं, केवड़ा वाटर डाल के जरा सा हिला देते हैं ताकि अंदर तक चला जाए सब। कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, दिल्ली स्टाइल कोरमा। आप बस हमने मिर्चे जो है पीली ली है, आप लाल डाल सकते हैं, चूल्हा हम बंद कर देते हैं। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट हो गया इसे ढके हुए, अब देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रही है ये कोरमा, बिल्कुल तैयार हो गया, उसमें से खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है और देखने में भी आप देख सकते हैं, देख के अंदाजा लगा सकते हैं आप कितना मजे का बना होगा ये। और आप हमारे तरीके से जरूर बना के और खा के देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी, आसानी से बन भी गया, सब घर का ही सामान था, सबके घरों में ही होता है ये सारा सामान जो भी हमने इसमें यूज किया कोरमे में, सभी के घरों में होता है ये, सिंपल का सिंपल है और कोरमा भी बेहतरीन बन गया अच्छा। आपके मेहमान घर वाले खाएंगे तो वो भी खुश होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। आप अपने रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में आप हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम जो भी नई वीडियो डालेंगे आपके पास नहीं पहुंचेगी। बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमें पता चले कि हमारे चैनल को लोग